नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बरेला तेज प्रताप यादव भले ही आरजेडी से अलग हो, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े कदम तेज प्रताप यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खास करके छात्र जनशक्ति परिषद की अगर हम बात करें तो इस संगठन का नाम बदल कर तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति परिषद रखा, ताकि हर एक उम्र के व्यक्ति इस संगठन के साथ जुड़ सके। ऐसे में अब एक नई रणनीति तेज प्रताप यादव की तरफ से बनाई गई है। तेजस्वी यादव को पटखनी देने के लिए क्या कुछ तैयारी तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई है, और साथ ही साथ क्या कुछ लक्ष्य तय किया है तेज प्रताप यादव ने, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। राजद की तरह ही तेज प्रताप यादव के जन शक्ति परिषद से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। परिषद ने इसके लिए सोशल मीडिया पर सदस्यता फॉर्म भी डाला है। इसे मिशन 1 करोड़ मेंबर का नाम दिया गया है। परिषद में मेंबरशिप फॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा गया है कि जनशक्ति परिषद का सदस्य बनने के लिए इस फॉर्म को भरे। बिहार के सभी 8,406 पंचायत में जनशक्ति परिषद का अपना कार्यालय होगा और आपके ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी स्कूल, अस्पताल और थाना को दुरुस्त किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि राजद का भी लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। अभी भी स्थिति के अनुसार जनशक्ति परिषद के सदस्यों की संख्या 30,000 तो राजद के सदस्यों की संख्या 86 लाख के करीब है। दोनों संगठनों का मिशन एक ही है, लेकिन इसे लेकर राजद और जनशक्ति परिषद में बैठकें अलग अलग हो रही है। बता दें कि परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप ने ये कहा है कि तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए राजद को मजबूत करने के लिए ही संगठन को बनाया है। जनशक्ति परिषद जितना ही बड़ा होगा उतनी ही मदद राजद को मिलेगी। साल 2024 तक पंचायत और बूथ स्तर पर जनशक्ति परिषद को मजबूत कर देना है, ताकि राजद के लिए यह बैंक बोन बन सके। जैसे कि RSS, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद भाजपा को मजबूती देने का काम करती है, वैसे ही जनशक्ति परिषद राजद को मजबूती देगी। ऐसे में परिषद के लोग भले ही कह रहे हो कि इससे राजद को फायदा नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ऐसा करने का मकसद है साल 2024 में राजद पर दबाव बनाकर कई सीटों पर दावा ठोका जा सके। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। प्रशांत प्रताप कहते हैं कि बिहार के लगभग हर जिले में संगठन का विस्तार किया जाएगा। जिला इकाई के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तेज प्रताप यादव गरीबों वंचितों के मुद्दे पर उसी तरह चल रहे हैं जैसे अभी तक लालू प्रसाद यादव चलते आए हैं। क्या 2024 के चुनाव में राजद से जनशक्ति परिषद अपने कैंडिडेट उतारने की मांग करेंगे? ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना है कि ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा और लालू प्रसाद यादव के फैसले से ही कुछ होगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जब छात्र जनशक्ति परिषद का गठन उन्होंने किया, वो समय ऐसा था जब उनके चहेते आकाश यादव को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटाकर गगन यादव को अध्यक्ष बना दिया गया था। यह तभी साफ हो गया था कि इस संगठन को राजनीतिक मंच दिया जाएगा। राजनीतिक मंच दिए जाने के विरोध में ही बबलू सम्राट ने छात्र जनशक्ति परिषद छोड़ दी। इसके बाद तारापुर में निर्दलीय उम्मीदवार देकर तेज प्रताप यादव ने ये साफ कर दिया था कि वे राजनीतिक मंच बनाने की ओर है। अब तो इसमें छात्र शब्द भी हटा दिया गया है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।